मेरे हिसाब से लॉक इन होना चाहिए एक ऑर्ग में आज मैं नई टीम में ज्वाइन हुआ हूँ और मुझे hmm. वो टीम नहीं जम रही है और मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आई शुडेंट बी लॉकड फॉर अयर डिसीजन बट एट दॉक करके भी पॉइंट दी है बहुत सारे और क्या बोल रहा था मैं इसका पॉइंट ये है कि मैं अगर कोई टीम के साथ मेरे को नहीं जम रहा है और तो मैं और को बोलता हूँ बस मेरे को नहीं जम रहा है प्लीज मेरे को जाने दो तो और का डिसीजन होना चाहिए कि हाँ टीके दल तू चले जा बट लॉक इन एक लॉक इन मतलब एक लॉक इन पीरियड हो कॉन्ट्रैक्ट अगर तीन साल का है तो एक साल बॉस तू मेरा है तू नहीं जा सकता कहीं पे मतलब जा सकता है उसमें भी एग्जिट क्लोजेस होते हैं बट एक साल के लिए कुछ चुतिया पे मत कर एक साल मेरे पे भरोसा कर ले और एक साल मैं तेरे पे पूरा अंधा भरोसा करूंगा

अगर नही हम आगे बोले, हम हाँ, अच्छा case case, नहीं जम e in yes. yes. yes, रहा uh, है ना प्लेयर बेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गेम को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली पब्लिशर के ऊपर है पब्लिशर बॉस पबजी मोबाइल इतना बड़ा क्यों हुआ फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट पबजी मोबाइल डू नो वाई हर्ड अबाउट पबजी मोबाइल क्योंकि द फर्स्ट न्यूज दैट केम टू आर इन कॉलेज का कोई तो इवेंट हुआ है और फर्स्ट फर्स्ट प्लेस प्लेस लाख रुपए फॉर अ कॉलेज इवेंट दिस वॉज द न्यूज जो हमारे तरफ आई थी अगर हमारे तरफ आई थी तो मतलब पूरे दुनिया में फैली थी और वो टाइम पे आई एम प्रिटिश श्योर प्राइस पुल्स वगैरह देख के लोगों ने वो गेम खेलना शुरू किया इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज गेम मस्त है मजा आ रहा है खेलने को

उसका वो एक ट्रॉफी को लेके हंगर और एक वो भाग रे रैट रेस वो दो तीन चार साल टॉप पांच साल की है एंड hmm. वो अपनी लाइफ के अगर जो प्राइम टाइम है इस चीज को दे दिया ah. तो आई थिंक उसको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर तक आई थिंक मोस्ट ऑफ देम शुड डू इट और अगर आप इसको अभी से ही बिल्ड करना शुरू कर दोगे देखो किसी भी एथलीट के लिए उसका यूट्यूब चैनल उसपे या मेरा कोई राइट नहीं है नहीं। दे, वो, वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो उनका एक पर्सनल एसेट एसेट बन रहा है और हाँ, और के काम आएगा वो एसेट, बट और के काम काम आएगा आएगा वो वो बट जब जब तक आएगा, जब तक, आएगा जब तक आप उस और उनके लिए तो लाइफ है। वो उसने अपना ही गेम उसका अगला सवाल जो है उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सोचें और उसके बाद फिर जवाब दें शुड जॉनथन लीव द करेंट इपोर्ट्स टीम एंड मेक हिज लाइन अपर ऑर्गेनाइजेशन आई मीन नो सबसे पहला जवाब है yes, yes, maybe. Yeah, like, no. I, uh, पहले नो की तरफ चलेंगे हमारा उन्क, उनका रीजन तो मुझे समझ में आता है ये नो क्यों है मैं एक्चुअली चेंज करूंगा बिकॉज इट सब्जेक्ट आई डोट नो वॉट्सिंग ऑन दीड एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज जो मतलब रेसिप्रोकेशन टू द फैक्ट कि भाई जॉनाथन ने भी अपना बहुत समय बॉडी को तो दिया है और यही मेरा पॉइंट है मतलब मेरा भी उसकी विल में अगर है और वो चाहे तो जो वो बाहर रहे के अपनी और बना के प्लेयर बेस लाएगा और फिर उसमें जो तकलीफें झेलेगा यही मेरा पॉइंट है इसके लिए मैंने नो बोला ऑलरेडी तो एक बनी हुई टीम है उसके पास एंड ऑफ दी डे वो अपने डिसीजन जो उसको चाहिए वो उसको मिली जाएगा तो क्यूँ उसको अलग से जाना है और अलग से वो वाली बात है उड़ता तीर लेने वाली बात है सो so, पहले यस बिकॉज पब्लिक परसेप्शन अगर थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से देखे तो यस yes, बिकॉज अगर जॉनसन uh, अपना कुछ अलग करता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट ही इज विद राइट नाउ आई थिंक देर इज लॉट मोर ही कैन डू एज वी अर्लियर जैसे का ये example ले लो there, he can do something but फिर आप कहना चाह रहे हो कि वो खुद छोड़ दे हाँ means वो बट फिर एग्जाम्पल फिर वो वाई स्विच टू मे इज बिकॉज I don't know internally क्या हो रहा है अगर वो सेम चीज गॉडलाइट में रहके कर सकता है प्लेयर इन गॉडलाइट टू प्रोबेबली बींग नॉट मोर वैल्यू देन वाई नॉट देन और कहीं और जाके क्यों ही शुरुआत से जीरो से करें ईज ऑलरेडी गिवन सो मच टाइम एंड एफर्ट टू गॉडलाइट ही कैन है That's why I आपके me. पास कुछ अलग जवाब मे बी नहीं मैं तो यार जो लोगों को जानता हूँ जो को पसंद करता हूँ उनको एडवाइस देता हूँ उसको जानता नहीं हूँ मेरे को एडवाइस देने <laughs>